गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं और मेरी घरवाली लेके आए एक नई वीडियो बहुत लंबे टाइम के बाद, वो भी आप लोगों के कमेंट के बाद, क्योंकि तो सब लोग बोल रहे थे कि आप लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हो, वो लोग क्यों नहीं बना रहे। तो सोचा आज कुछ छोटा सा शूट कर ले काफ़ी टाइम के बाद। तो गाइज आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार होने वाला है कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मेरे फ्रेंड लोगों के भी पर्सनली मुझे फ़ोन मैसेज आ रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो, रील तो बहुत बार डाल रखी है पर व्लॉग कुछ ऐसा हो रहा था। कि मेरा छोटा बेबी है, जब से मैंने लास्ट वीडियो डाली थी एक डेढ़ साल पहले, तो मैं घर चली गई थी, उसके बाद यहाँ आई तो ये रहता है मेरे पूरे दिन साथ। तो रील तो ये सोया हुआ होता है या फिर खेल रहा होता है, तब हम थोड़ी सी देर लगती है उसमें शूट कर देते हैं, लेकिन व्लॉग बनाना कभी नहीं हुआ। कभी बनाते हैं तब ऐसा होता है कि या तो रोने लग जाता है या खेल मतलब फोन को छीनने लग जाता है, तो हम व्लॉग शूट नहीं कर पाते। आज ये दूर खेल रहा है तो हम व्लॉग बना रहे हैं। तो गाइज आप देख रहे हो पहले वाले रूम में वीडियो बनाते थे वो रूम और इस रूम में फर्क है। तो गाइज हम बता दें, पहले हम वन रूम सेट में रहते थे और अब हम मेरे आने के बाद में, यानी कि मैं रियाज को लेकर आई हूँ, तब से हमने इसके पापा ने पहले से टू रूम सेट ले रखा था, क्योंकि वन रूम सेट में बच्चे के साथ कम्फर्ट नहीं रह सकते हम। तो इसलिए हमने अलग, लोकेशन दिख रही होगी आप लोगों को, तो हमने अलग जगह ले लिया है टू रूम सेट। वैसे ऑफिस के पास में ही है, तो यहाँ ये बस खुला कमरा है, तो आप लोगों को हमें दिखाते हैं कैसा है कमरा। हॉल भी है, बार भी आगे जगह है बालकनी में भी खेलने के लिए, और बच्चे के लिए अच्छी जगह है ये। क्यों हम दिखाते हैं आपको हमारा रूम, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम है, पूरा एकदम खुला है, ये वॉकर लेकर अच्छे से घूम सकता है यहाँ पे। और थोड़ा सा इसी के आगे थोड़ा सा पड़ता है ये हॉल हमारा, ये हॉल है, हॉल में भी बहुत सारी जगह है ये आप लोग देख सकते हैं। और फुल बड़ी किचन है हमारी, और ये देखो बाहर भी जगह है, ये देखो बाहर निकल गया था, थोड़ा सा गेट खुला मिल जाए तो बाहर निकल लेता है ये, तो बाहर भी काफी जगह है। और ये जाली वाला गेट हम लगा के रखते हैं क्योंकि यहाँ पर मच्छरों से ज्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी देर अगर गेट खुला मिल जाए तो मच्छर पूरे कमरे में भर जाते हैं। तो गाइस अच्छी जगह है, और जिस घर में हम रहते हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती रियाज के साथ यहाँ रहने में। तो आज हम मैं दिखाती हूँ मेरा बेटा कैसा है, आप कमेंट करके जरूर बताना ये कैसे जैसा है, मेरे जैसा ही, अपने पापा जैसा। ये रहा, बहुत शरारती है ये। हेलो 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 हाय, नहीं बोलेगा, बोल दो। तो गाइज आज के व्लॉग को बस इतना ही बनाया है हम लोगों ने, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे। आवाज आ रही है यहाँ पर, ये तो आवाज आती रहती है क्योंकि बिल्कुल रोड पे है हमारा कमरा, तो कबाड़ी वाले दिन भर आते रहते हैं, फेरी वाले आते रहते हैं, और फिलहाल यहाँ पे चुनाव का सिस्टम चल रहा है, तो वोट मांगने वाले, वैसे प्रचार करने वाले तो दिन भर आते रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये कमरा भी हमारा बिल्कुल गली है सामने, तो थोड़ी देर रियाज सोएगा उसके बाद कबाड़ी वाले आ जाएगा, फिर ये उठ जाएगा, थोड़ी देर सोएगा फिर कोई मांगने वाला आ जाएगा फिर ये उठ जाएगा, बस रोड पे कमरा होता है तो उसका जीना आराम ऐसे रहता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना, और व्लॉग को पूरा एंड तक देखना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितने भी हमारे राजस्थान के हैं और हमारे जितने भी मेरे गाँव के होंगे और सारे मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी से लेकर आऊँ। थैंक यू।